नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज सदन में चुनाव हुआ। एनडीए उम्मीदवार विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के नए स्पीकर निर्वाचित हुए। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने उनके नाम की घोषणा की। विजय सिन्हा ने महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को हराने में सफल हुए। विजय सिन्हा के पक्ष में 126 वोट पड़े। स्पीकर चुने जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी उन्हें बधाई दिया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी उन्हें बधाई दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सब बिहार के हित के लिए यहां चुनकर आए हैं, हम सबको मिलकर आगे चलाएंगे और विपक्ष अलग नहीं है। स्पीकर चुने जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूँ, साथ ही सभी माननीय सदस्यों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। सीएम नीतीश ने कहा कि अध्यक्ष की भूमिका निष्पक्ष होती है। सीएम ने यह भी कहा कि ऐसे में आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनकर जो भी नियम हैं उनके मुताबिक कार्यों को करना है। आपके पास अनुभव है और मंत्री भी रहे हैं, ऐसे में हम सबको पूरी उम्मीद है कि एक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका को बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे, यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। इससे पहले स्पीकर के चुनाव के दौरान राजद समेत विपक्षी दलों ने सदन में खूब हंगामा किया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने वोटिंग प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से कहा कि पहले जनादेश की चोरी हुई और अब तो आपके आसन के सामने चोरी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि सदन को नियमावली के हिसाब से चलना चाहिए, पूरा देश इसको देख रहा है। दरअसल राजद विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए गुप्त मतदान की मांग कर रहा था, जिसे प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने खारिज कर दिया। इससे पहले राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदन में रहने पर भी सवाल उठाया था। इस पर प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने कहा कि सीएम का वोटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो सदन में मौजूद रह सकते हैं। राजद नेता मनोज झा ने कहा कि सदन में लोकतंत्र की हत्या की गई है, जो लोग सदन के सदस्य नहीं हैं वो भी सदन में बैठे हुए थे। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर निर्वाचित हुए विजय सिन्हा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लखीसराय से जीतकर विधायक बने हैं। सिन्हा पिछली सरकार में श्रम संसाधन मंत्री रहे थे। सिन्हा ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है। विजय सिन्हा के विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि इस बार परंपरा और संस्कृति के नाम पर लोकतंत्र को लूटा गया है। तेज प्रताप ने आगे लिखा है कि विधानसभा के अंदर ही विधानसभा की नियमावली को नकारते हुए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फर्जी वोटिंग किया और कराया। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।